सवाल व्हाट्सएप के जरिए शेर बहादुर सिंह ने भेजा है और अक्षय ये कह रहे हैं इन्होंने इरेडा के 100 शेयर खरीदे हैं, इनकी बाइंग प्राइस 241 है। फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं तो बहुत डिटेल्स नहीं है, लेकिन नियर टर्म आउटलुक इस बाइंग प्राइस पर आप इनको क्या रिकमेंड करेंगे? घाटे में है ये फिलहाल। इरिडा का प्राइस स्ट्रक्चर नेगेटिव है, पर अभी काफी ओवरसोल्ड होने के चलते आपको शॉर्ट टर्म में एक टेक्निकल पुलबैक या रिकवरी का बाउंस बैक मिल सकता है। 180 का सपोर्ट है और रिकवरी में 220-225 तक शॉर्ट टर्म में दिख सकता है स्टॉक। तो 180 के नीचे स्टॉप लॉस बना के रिकवरी रैली में एग्जिट करे अराउंड 220-225 के रेट में, ये राय रहेगी इरिडा में। ठीक है, तो ये है इरेडा पर खास रणनीति आपको मिलती हुई। पढ़ते आगे, सुमित वर्मा है हमारे साथ अगले कॉलर। सुमित नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ जी। बताइए सुमित, किन स्टॉक्स पे आपके सवाल हैं? सर मैं ONGC के पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ और BHL पे। ठीक है, बाइंग प्राइस बताइए। सर ONGC के मेरे पास 400 शेयर है 327 के प्राइस पे। ठीक है, और BHL के मेरे पास 340 शेयर है 280 के भाव से। ठीक है, BHL आपने 280 के भाव पे लिया हुआ है ना? हाँ सर, असल में क्या नाम है, मैं इनका एवरेज कर रहा हूँ तो ये डाउन तो हो रहे हैं लेकिन और डाउन होते चले जा रहे हैं। ये कब तक डाउन होगा? ये ONGC के बारे में बताइए सर, ये इतना डाउन क्यों हो रहा है? बिल्कुल, अब देखिए सुमित, ओवरऑल अगर हम PSU सरकारी शेयरों की बात करें तो वहाँ पर एक जो है वो दबाव देखा गया और BHEL पे भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बात करें OMCs की तो उन पे क्रूड का जो पूरा एक्शन है उन पर निर्भरता रहती है और इस समय तो खैर बाजार पर प्रेशर है ही। अक्षय ज़रा बताइए दोनों स्टॉक पर क्या रणनीति लेकर आगे चलें? एवरेज करते करते इन्होंने निचले स्तरों पर प्राइस लाई है, BHEL इन्होंने 280 पे, ONGC 327 के भाव तक लेकर आए हैं, लेकिन सवाल वही है कि लगातार जो है वो दबाव बढ़ता हुआ। देखिए रिसेंट बाजार में जो सेलिंग हुआ है वो काफी फ्रॉड था जो सेटल हो रहा है बाजार में, और कोई सेक्टर मेरे हिसाब से बचे नहीं है जिनमें पिटाई नहीं हुई है, क्योंकि जो फार्मा FMCG भी सेक्टर्स रहते हैं उसमें भी आपने ये करंट मार्केट सिनेरियो में गिरावट देखी है। तो पूरे बाजार में सेलिंग है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑयल एंड गैस हो या कोई सरकारी कंपनी में ये सेलिंग ज्यादा सीमित है। तो ONGC की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक माइनर सपोर्ट जोन पे तो आ रहा है, करीबन 264 के आसपास एक सपोर्ट है, पर कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, पर रिकवरी में वापस स्टॉक संभल सकता है। तो यहाँ पे रणनीति बनाने की और एवरेज तो आपको नहीं करना है बट 240 का स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। बट सिचुएशन भेल में कुछ अलग है बिकॉज भेल में काफी एक नेगेटिव टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है जो एक इंडिकेशन दे रहा है हमें कि आगे चल के स्टॉक में और डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि भेल में करीबन 200 या 180 ये लेवल भी आगे चल के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में छू सकते हैं। तो उसके चलते मैं कहूंगा ONGC तो आप एक रिवाइज स्टॉप लगा के होल्ड करें, बट भेल में तो क्लियरली एक एग्जिट की रणनीति रहेगी। तो एग्जिट भेल, होल्ड ONGC, ये राय रहेगी।